उन्नाव में रविवार करंट की चपेट में आकर बेटे की मौत हो गई। वहीं बचाने गई मां और बहन भी झुलस गई। शोर सुनकर मौके पर भीड़ जुट गई। वहीं ग्रामीणों ने तीनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बेटे को मृत घोषित कर दिया। घायल मां और बहन का उपचार चल रहा है। मामला माखी थाना क्षेत्र के राउकना गांव का है। यहाँ की मालती पत्नी अनुज तिवारी का 13 वर्षीय बेटा देवा सुबह घर पर था। इसी दौरान घर में आए 440 वोल्ट लाइन की केबल टूट गई। विद्युत सप्लाई के दौरान वह टूटे हुए तार को हटाने पहुंचा, तभी वह करंट की चपेट में आ गया। बेटे की पुकार सुन घर में मौजूद माँ मालती और बहन दिव्या उसे बचाने दौड़ी। इस दौरान माँ और बेटी भी तार से चिपक गए। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े और लाठी डंडे से पीटकर उन्हें तार से छुड़ाया। तो वहीं ग्रामीण तीनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने बेटे देवा को मृत घोषित कर दिया। माँ मालती और बहन दिव्या का इमरजेंसी वार्ड में उपचार चल रहा है। तो वहीं बेटे की मौत पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। थाना अध्यक्ष माखीराम आश्रय चौधरी ने बताया कि पुलिस मौके पर गई थी, जहां बेटे की मौत हो गई। परिजन पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, तो वहीं लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।